देखिए मैंने फिश धो यहाँ पे पूरा रेडी कर दिया है, सुंदर से फ्राई हुआ है ना, पूरा चंदन की तरह पूरा हो जाएगा। मैंने चिली पाउडर डाला, उठा लेंगे उतना उलट बिल्कुल भी करना है क्योंकि ये पहले ही सब कुछ पक्के रेडी अभी टूट जाएगा। फिश हिला लेते हैं दोस्तों, तो मैंने दो गमला रख लिए हैं, पहले फटाफट धो लेते हैं। आज मैं बनाऊंगी फिश, आज पापा लेके आए फिश, तो पहले फटाफट इसे साफ कर लेते हैं। आज देखिए ये बड़ा बड़ा पीस वाला फिश है, तो देखिए आज मैं ये बनाऊंगी, पहले सबसे पहले साफ कर लेते हैं। तो पापा शाम को ही लेके आए थे, आज पापा का मन था फिश खाने का, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है देखिए मैंने फिश धोकर रेडी कर दिया। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को दिख रहा होगा, तो सबसे पहले अभी इस पर हल्दी नमक छिड़काव कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं करूँगी फ्राई, देखिए फिश कितना साफ लग रहा है, इस पर हल्दी छिड़काव कर दूँगी। मेरे पर हल्दी और नमक लगा रेडी कर दिया है, तो अब मैं बैठाऊंगी कढ़ाई और कढ़ाई में मैं लगाऊ दूंगी तेल, तेल गर्म हो जाएगा तो ये बारी-बारी से पहले मुझे फ्राई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या फ्रेंड्स मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, और देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा अभी मैंने जस्ट ये नया बोतल और ये ढक्कन लगा हुआ था ये मैंने जस्ट खोला, देखिए इसका सील भी खुला नहीं है, तो अभी मैं ये ही तेल डालूंगी, ये धारा हम लोग घर पे धारा तेल यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने अभी जस्ट इसका नया बोतल का सील खोला है, तो चलिए अब हम लोग डाल देते हैं तेल, क्योंकि अभी हमें फ्राई करना है पहले फिश, तो कंजूसी नहीं करेंगे तेल के लिए, क्योंकि ज़्यादा तेल डालने का मेरा आदत ही हो गया, मम्मी बोलती बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करती हूँ। तो अब ये तेल गर्म हो जाए पहले, उसके बाद हम लोग बारी बारी से फिश छोड़ेंगे। तो देखिए मैंने फिश यहाँ पे ऐसे रख दिया है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसे हम लोग अभी इस कढ़ाई में डालेंगे। तो पहले तेल को अच्छे से गर्म होने देना होगा दोस्तों, अगर ये अच्छे से गर्म नहीं हुआ तो ये कढ़ाई से जो अभी ये फिन निकल रहा होगा ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा झाग, ये झाग धीरे धीरे पूरा हटना होगा, और ये पूरा गर्म जब हीट पूरा गर्म होने लगे तभी हमें फिश छोड़ना है, वरना ये अगर हम लोग अभी डाल देंगे बिना गर्म हुआ तो फिश में से एक स्मेल आएगा, पूरा कच्चा कच्चा तेल का इसमें लगेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए जितना फीन है ये पहले पूरा हट जाए, उसके बाद हम लोग फिश छोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले मैं दिखाऊंगी कब मैं डालूंगी, अभी नहीं हुआ, पहले पूरा ये फीन जो झाग है वो हट जाए, यानी कि वो तब हटेगा जब तेल पूरा गर्म होगा। यहाँ पे पूरा मैंने हल्दी नमक लगा के रेडी कर दिया है, और यहाँ पे हो रहे मेरे तेल गर्म, और यहाँ पे मैंने गमले पे रख दिया पेपर, ताकि जो तेल यहाँ पे रख जाएगा वो गमले पे ना जाए, ये पेपर सोख ले, तो सब कुछ रेडी है, बस इंतजार ही है तेल पूरा अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे गर्म हो जाएगा मैं डालूंगी फिश, हल्का हल्का गर्म होने लगा, फ्लेम भी बहुत ज़्यादा हीट होने लगा दोस्तों, गर्म हो गया। फ्राई होने देंगे, एक साइड तो फ्राई हो गया ये दोस्तों, एक साइड पूरा अच्छे से पक गया है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कलर, देखिए कितना सुंदर से फ्राई हुआ है ना। तो दूसरे साइड फ्राई हो जाए आराम से, फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा फिश फ्राई हो चुका है, देखिए कितना अच्छा से फ्राई हुआ, इससे ज़्यादा हम लोग फ्राई करेंगे तो ये एकदम इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, पहले थोड़ा साइड से ऐसा कर देंगे ताकि जितना तेल है वो नीचे छोड़ दे, क्योंकि एकदम बहुत बढ़िया फ्राई हुआ, तो इसे मैं कहाँ रखूँगी वो देखिए आप लोग, इतना मैंने फ्राई कर दिया दोस्तों, अब यहाँ पे और इतना बाकी है, तो देखिए वहाँ पे इतना रेडी, एकदम परफेक्ट फ्राई हुआ दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे और इतना है, इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है। फ्राई हो गया अच्छे से, तो अभी मैं निकाल लूँगी, ये भी पूरा परफेक्ट कुक हो गया दोस्तों, ठीक है आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा फिश फ्राई हो रहा है, तब तक हम लोग मसाले रेडी कर लेते हैं, यानी कि लहसुन मैं छील लेती हूँ, क्योंकि अभी फिश फ्राई होने में थोड़ा और टाइम, क्योंकि पापा फिश बहुत ज़्यादा लेके आए थे ना, तो वो फ्राई होने में टाइम लगेगा, तो तब तक हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं, क्योंकि यही मसाला के लिए हमें चाहिए लहसुन, क्योंकि फिश बनाने के लिए तो लहसुन के बगैर नहीं हो सकता। काटते काटते ये फ्राई हो गया दोस्तों, तो अभी मैं निकाल लेती हूँ, मैंने तेल पूरा उतार लिया है, तो अभी मैं यहाँ पे रखती हूँ, देखिए थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं अलग अलग कर दूँगी अभी, और मैंने लहसुन छील लिया दोस्तों, देखिए तो अब मैं काट लूँगी प्याज,
प्याज पहले मैं बस छिलका उतार कर छोटा छोटा इसे धुला लूँगी, क्योंकि मिर्च का भी डंठल सब उतार लेते हैं। चलिए तो पहले इसे गोटा गोटा पहले धुला लेते हैं, तो उसके बाद काट के इसे अलग अलग करेंगे। ठीक है, पहले तो चलिए फटाफट धो लेते हैं। फिश में भी हम लोग प्याज देते हैं, चाहे मीट हो चाहे चिकन हो या मटन बनाए या फिर फिश, हम लोग प्याज बराबर मात्रा में देते हैं। जब वो एक बार तेल में जाएगा दोस्तों फिर से गल ही जाता है। तो ये मेरे घर का बनाने का हिस्सा है, घर कैसे बनता है मतलब मैं ऐसा बनाती हूँ। तो वैसे फिश फ्राई करके भी बना सकते हैं, मतलब बगैर फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो रेडी हो चुके हैं, अब जो मिर्च है उसे लंबे लंबे चीरे में एक साथ मैंने टमाटर काट दिया है, मिर्च चीरा लगा दिया दो और प्याज काट के रेडी दिखाऊंगी। कैसे कम नहीं डाल सकते ना, तो इसे हम लोग अलग अलग करेंगे। तो फिश फ्राई होकर रेडी हो चुका है अभी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया जो कि अब सीटी लगने के लिए तैयार है। देखिए अब ये लग जाएगा। यहाँ पे जीरा धनिया यानी कि खड़े मसाले डालूंगी। आज भी मैं बना रही हूँ गोरखा स्टाइल से फिश, कि हम नेपाली के घर पे कैसे बनाते हैं। और मिक्सर ग्राइंडर है, फिर भी हम लोग देखिए सिर पट्टे पे ये सब पत्थर है। देखिए अब तो कईयों के घर पे होगा और कईयों के घर पे नहीं भी होगा। तो देखिए इसे बोलते हैं सिलपट्टा, ये पूरा इस शेप में है। मेरे पापा लेके आए थे जब हम लोग पापा खुद छोटे थे तब पापा लेके आए थे। देखिए इसमें बना हुआ बहुत टेस्टी लगता है, तो हमारे घर का तो फेवरेट यही है सिलपट्टा ऑलरेडी। और धो भी लिया इसे अच्छे से। अब मैं इस लहसुन को पीसूंगी और दिखाऊंगी कौन कौन सा मसाला मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे आज। तो देखिए दोस्तों, तो जीरा धनिया मैंने यहाँ पे डाल लिया है, तो इसे भी हम लोग अच्छे से धुला लेंगे। वैसे धुला के रखते फिर भी एक बार धुलाना जरूरी है। तो यहाँ पे है जीरा धनिया गोलमरीच यानी कि काली मिर्च, तो मैं इसे भी निकालूंगी। दिख रहा होगा आप लोगों को, ज़्यादा नहीं पीसेंगे क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी प्याज बहुत ज़्यादा काटा है दोस्तों, और ये क्या बोलते हैं टमाटर मिर्च, ज़्यादा मसाला तो नहीं चाहिए वैसे। और हम लोग इस पर झोल भी नहीं डालेंगे, ग्रेवी टाइप से बनाएंगे। तो देखिए मेरे घर पे कैसे बनता है, यानी कि गोरखा स्टाइल पे ऐसा ही बनता है। और मोर दाल भी बनाऊंगी मैं अभी, गर्म पानी मैंने बैठा दिया है क्योंकि गैस का बचत हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक जार पर मैंने बैठा है, इलेक्ट्रिक जार पर। अब वहाँ पर जब पानी गर्म हो जाएगा तब मैं उस पर उस गर्म पानी को लेकर बनाऊँगी। तो चलिए ये फटाफट पीस लेती हूँ, पूरा चंदन की तरह पूरा हो जाएगा। पीस कर खाइए, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर पे भी हम लोग पीसते खाते हैं, लेकिन फिर भी जो टेस्ट हमारे पुरखाओं ने, हमारे दादा परदादा ने खाया वो तो पत्थर ही था। पत्थरों को यानी कि उसे पत्ते पर पीस कर उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता। घर की मम्मी तो मिक्सर ग्राइंडर पर पीसने ही नहीं देती, और हमारा भी आदत ही हो गया इस पर खा खा कर उससे पीस कर। कभी इमरजेंसी होता है उतना टाइम नहीं रहता यहाँ पे पीसने के लिए, तब हम लोग मिक्सर पे पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा मेरा मसाला पीस कर पूरा हो गया है। तो अभी मैं उठा लूँगी, इसी प्लेट पे उठाऊँगी। देखिए सब मैंने मसाला रेडी कर दिया, इसी के साइड पे मैं उठाऊँगी। तो किसी प्लेट में से लेकर बनाना है, तो उठा लिया सब मसाला दोस्तों। खड़े मसाले को पीस के मैंने पूरा पेस्ट बना लिया, अभी मैं फटाफट बनाऊँगी। उससे पहले इसे पटाने को दूँ, पानी सीधा बाहर जाता है ड्रेन में, नाली पे चला जाता है, इसलिए मैं यहीं से फेंक रही हूँ, कहीं इस्तेमाल करते हैं। देखिए सब, तो जब तक ये कढ़ाई का ये तेल गर्म होगा दोस्तों, तब तक मैं बैठा लेती हूँ दाल, यानी कि दाल चढ़ा देती हूँ। सिंपल सो दाल बनाऊँगी, आखिरी में उसे छोंक लगा दूँगी। तो चलिए जब तक ये तेल गर्म होगा हम बैठा लेते हैं अपना दाल, यानी कि और मैं इस दाल से डालूँगी गर्म पानी दोस्तों, क्योंकि गर्म पानी से बनाते वक्त जल्दी कुकर में सीटी भी लग जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक साइड मैंने बैठा दिया है कर कुकर पे, इसके अंदर पे है दाल, और मैंने बनाया गरम पानी से दाल, क्योंकि गरम पानी से बनाते तो हमारा गैस का भी बचत हो जाता है थोड़ा बहुत, और जल्दी कुकर सीटी भी लग जाता है। इलेक्ट्रिक जार पे मैंने गरम पानी बैठाया था, और दूसरी ओर देखिए मेरा तेल हो रहा है पूरा गरम। यहाँ में से इससे
तो कर दे पूरा बड़ा, ठीक है। हमें थोड़ा घी चाहिए दोस्तों, और ये प्याज, जब तक प्याज यहाँ पे भून रहा है दोस्तों, फ्राई हो रहा है, तब तक हम लोग छोटे बर्मा धनिया, इसका सेंट बहुत अच्छा होता है। देखिए आधा तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, अब इतना रह गया तो मैं इसे भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होता है, इसके जड़ को काट कर फेंक लेते हैं। क्योंकि हमारा प्याज भून के लाल हो चुका है दोस्तों, तो अभी मैं डाल दूँगी मिर्च, देखिए जो मैंने काट के रखा है, ये भी गलता रहे, और साथ में मैं डाल दूँगी टमाटर भी, देखिए ये टमाटर मैं डाल दूँगी, ये तो एकदम साथ साथ ही गल जाएगा, लेकिन जो मसाला है जो मैंने पीस के रखा है वो मैं लास्ट में। तो देखिए दोस्तों टमाटर भी पूरा गल चुका है, रेडी है, तो अब हम लोग डाल देंगे मसाला जो हम लोगों ने पीसा है। हमारा ऑलरेडी मच्छी तो फिश है तो पहले से ही फ्राई हो गया, तो अब हम लोग मसाला मैंने ऐड कर दिया है, जो जीरा धनिया लहसुन जो मैंने पीसा है सिलपट्टे पे, अब ये अच्छे से पक जाए, इसे अच्छे से पकाना है दोस्तों, वरना इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसमें वो ऐड कर देंगे हल्दी नमक, ये झालनी है दोस्तों, बस इससे कलर आएगा। पानी ऐड करेंगे वाटर, देखो कलर कितना सुंदर लग रहा है, पापा को दिखाई देने का जो कलर है बहुत सुंदर लग रहा है, बात देखिए सुंदर कलर। जो मैंने चिली पाउडर डाला दोस्तों वो झालनी है, वो कश्मीरी लाल मिर्च है, देखिए बस कलर आएगा सुंदर सा, झालनी है। और देखिए यहाँ पे मैंने फ्रिज से दो अंडे भी लेके आई हैं, इसे अभी मैं बॉईल भी करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरा छोटा सा भाई है राजू का भी, वो फिश नहीं खाता है, उसका भी एक स्टोरी है दोस्तों, बचपन में वो कितना क्लास टू में पढ़ता था, वो उस टाइम वो फिश खाते वक्त उसका कांटा जो गले पे लग गया था उसे, तब से उसे बहुत परेशानी आई, डॉक्टर के पास गया, वहाँ जाके उसे डॉक्टर के वहाँ जाके निकालना पड़ा, तब से उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ लिया कि नहीं अब से मैं कभी नहीं खाऊंगा। अभी हम लोग बोलते हैं अभी तो तुम बड़े हो गए हो, या फिर हम लोग ठीक करके देते फिश को कांटा निकाल के, फिर भी वो बोलता नहीं, इसलिए जब भी घर पे फिश आता है उसे हम लोगों को अंडा बना देना पड़ता है। देखिए कलर कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे राजू के लिए अंडा उबल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो नहीं खाता ना फिश, और यहाँ पे हमारे लिए बन रहा है फिश के लिए मसाला रेडी है, और यहाँ पे फिश फ्राई होकर तैयार है, बस अब यहाँ पर डिप करना बाकी है, और राजू के लिए, क्योंकि राजू तो नहीं खाता उसके लिए एक अंडा बॉयल हो रहा है, आप लोगों को भी पता चल गया राजू का स्टोरी बचपन का। कलर कितना सुंदर है ना, और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है, थोड़े थोड़े देर में हमें कम कम पानी ऐड करते रहना है, या फिर पूरा अच्छे से पक जाएगा तब यहाँ यहाँ तक इतना इतना पानी डालेंगे पूरा, लगभग बड़े वाले मग का एक मग, और उसके ऊपर डाल देंगे ये फिश, और मैं इसे आखिर में दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए जब तक मेरा मसाला यहाँ पे रेडी हो रहा है, अंडा उबलना शुरू हो गया पूरा, अच्छा तो बोल जाए, देखिए कितना जल्दी बोल गया, अभी मैंने बैठा है क्योंकि उबला वाले से बैठा है ना, यहाँ पे देखिए मेरा धनिया है, जो बना धनिया क्योंकि फिश में लगता है अभी तो वैसे सीजन नहीं है, लेकिन ये बना धनिया, इसे हम छोटे फिश इसमें काट कर डालेंगे, मैंने बना के रेडी कर दिया पूरा, अब लास्ट में जब फिश मैं यहाँ पे डाल दूँगी मसाला पक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने पानी ऐड कर दिया है, जो हमारा मसाला पक रेडी है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो मशरूम लोगों ने फिश फ्राई करके रखा है, अब हम लोग धीरे धीरे इसे डिप करेंगे, क्योंकि ये फिश पहले ही पक चुका है फ्राई नहीं, तो बस इसे ऊपर से हमें छोड़ना है धीरे धीरे, अब इसे चलाना उलट पलट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये पहले ही सब कुछ पक्के रेडी अभी टूट जाएगा उलट पलट करने से। देखिए निकाल कर बहुत ज़्यादा है, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, सो ब्यूटीफुल, खाने से भी ज़्यादा मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर धनिया काट के रखा है, अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, यानी कि छिड़क देंगे, सुंदर। स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, तो जो धनिया साइड मिला देंगे अच्छे से, मेरा फिश पूरा 99% बनके पूरा रेडी है दोस्तों, और 1% यानी कि हम लोग कुछ देर पूरा मसाला ऊपर टिका हो जाए, और जो फ्राई किया हुआ फिश है उसके अंदर पूरा मसाला अच्छे से आ जाए, तो उसके अंदर कुछ देर 2 मिनट लगभग छोड़ देंगे ऐसे। अब हमारा गोल्फ स्टाइल से बनाने का तरीका, हमारे घर पर इसी तरीके से बनता है दोस्तों फिश, तो मैंने आज आप लोगों के बीच रेसिपी शेयर किया दोस्तों, प्लीज़ वीडियो काट काट के ना देखिए, और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वहाँ से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोग मुझे फॉलो करना, मेरा अकाउंट का नाम है कामी परिवार ऑफिशियल नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों। और देखिए अंडा ग्रह स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, पूरा रेडी है, अब मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी रेसिपी बनके तैयार है दोस्तों, मैंने आज क्या क्या बनाया, दाल चावल और अंडा, खासकर आज का मैं दिखाने का मकसद क्या था दोस्तों, ये जो अभी मैं बना रही हूँ स्पेशल सा, यानी कि फ़िश करी,
आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इसी तरीके से और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहे। तो देखिए मेरा दाल बन के रेडी है, अब मैं इसे छोंक दूंगी यानी कि फ्राई करूंगी दोस्तों। देखिए हम लोग इसे बोलते हैं फिरके, यानी कि इसे दाल घटनी भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हमारे नेपाली में बोलते हैं फिरके, ताकि जो भी इसमें मोटा मोटा जो पार्टिकल है वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। अब लास्ट में इसे छोंक दूंगी, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये मसूर का दाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, हमारे घर पे ज़्यादा ये दाल खाते हैं, ये अच्छा लगता है। देखिए अंडा भी उबल के रेडी है और देखिए यहाँ पे फिश तैयार है, कितना सुंदर लग रहा है ना। देखिए फिश रेडी है, आज का डिनर बन के तो रेडी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे फिश पक चुका है, अंडा बॉयल हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे है दाल। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम का नाम है कामी परिवार ऑफिशियल, तो आप लोग मुझे वहाँ भी जाकर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।